Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you're watching FUMO EV News number 38. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक technology and automotive enthusiast हो, like me, you should definitely consider subscribing to my channel. And also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे recent YouTube analytics से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे videos को देखते हैं उनमें से सिर्फ 7% लोगों ने मेरे channel को subscribe किया हुआ है. I mean, why you do this? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है and you want to get weekly updates about the EV industry, please consider subscribing to my channel. इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊंगा. तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़. और आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है सुजुकी मोटोकॉर्प से. वैसे तो सुजुकी मोटोकॉर्प के बारे में अलग से इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे ये वीडियो 10 मिनट तक खींचना है. सो शिट, हियर वी गो अगेन. सुजुकी मोटोकॉर्प इज अ जैपनीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड अ व्हीकल मैन्युफैक्चरर जो टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, ATVs और बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस को दुनिया भर में रन करते हैं. अगर इंडिया की बात करें तो उन्होंने 2003 में मारुति उद्योग लिमिटेड नाम के एक गवर्नमेंट कंपनी को एक्वायर कर लिया था एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री. आज वो इंडिया में मारुति सुजुकी के नाम से जाने जाते हैं एंड दे आर द बिगेस्ट फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री इफ़ यू आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉल्यूम्स ओनली. उनकी गाड़ियाँ बहुत अफोर्डेबल और ईजी टू मेंटेन होती है and they have a reputation of many decades in the Indian car market. So enough with the intro, क्योंकि अब जो मैं न्यूज़ कवर करने वाला हूँ उसके बाद शायद आप लोग भी मेरी तरह एक्साइटेड फील कर सकते हैं. तो ऐसी न्यूज़ आ रही है कि सुजुकी मोटोकॉर्प जिनका हेडक्वार्टर हमामात्सु शिजुका जापान में है, नॉट टू बी कन्फ्यूज विथ दिस शिजुका. एनीवे, तो सुजुकी मोटोकॉर्प के एक स्पोक्स पर्सन ने बताया कि उन्होंने ऑलरेडी एक कॉम्पैक्ट ऑल इलेक्ट्रिक मॉडल बनाने का प्लान किया है एंड दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग दिस ईवी बाय 2025 और शायद वो इस ईवी को पहले इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं. बट आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस, ये ईवी सबसे पहले इंडिया में ही आएगी इस बात का कोई कॉन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है. सो आई विल सजेस्ट एवरीवन to take this with a pinch of salt. उसके साथ ही सुजुकी मोटोकॉर्प इंडिया के ईवी स्पेस में अपना स्ट्रांग होल्ड बनाना चाहते हैं by introducing hybrid and pure electric cars by 2025. और उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है with the Wagoneer Electric, जो शायद पहले सिर्फ फ्लीट सेगमेंट और कमर्शियल पर्पज़ के लिए बनाई जाएगी और बाद में उसे सिविलियन और नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. बट अगेन, इस वक्त कुछ भी कहना फेयर नहीं होगा और मारुति सुजुकी किस तरह इंडिया में एंटर करता है और क्या ऑफर कर पाता है ये देखना बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. सो लेट जस्ट वेट फॉर नाउ एंड सी व्हाट सुजुकी मोटोकॉर्प हैज इन स्टोर फॉर अस. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है TVS मोटर कंपनी से. TVS मोटर कंपनी इज एन इंडियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर जो इंडिया में अपने टू व्हीलर्स के लिए जाने जाते हैं विच आर ऑफर्ड विथ लेटेस्ट टेक एंड दे ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर दैट द व्हीकल्स आर फॉलोइंग द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द मार्केट, जो कॉम्पिटिशन में टिके रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. अगर EVs की बात करें तो TVS ने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडिया में लॉन्च कर दिया है विच इज़ नोन एज TVS iQube
and it has already started to get good momentum when it comes to sales in India. Lekin TVS wants to go big in the EV game. और अगर recent news को देखे तो ऐसा पता चल रहा है कि TVS अब उनके ई व्हीकल स्ट्रेटेजी के मुताबिक प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं एंड दे आर प्लानिंग टू गो बिग ऑन देयर फ्यूचर प्लान्स. एंड हाउ आर दे प्लानिंग टू डू दैट? वेल, TVS मोटर कंपनी इज गोइंग टू सेट अप अ डेडिकेटेड फैक्ट्री विच विल बी बिल्ट इन होसुर, तमिलनाडु, जहां इस वक्त TVS की एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहां TVS और BMW के व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है. और ऐसा कहा जा रहा है कि इस नए फैक्ट्री की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 100,000 यूनिट्स तक होने वाली है, एंड दैट्स अ वेरी बिग नंबर. उसके साथ ही TVS मोटर कंपनी इस एक्सपांशन और आने वाले ईवी डेवलपमेंट के लिए अराउंड 1,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं. सो इट्स गोइंग टू हैव मैनी टू व्हीलर्स टू ऑफर फॉर द इंडियन ईवी मार्केट इन कमिंग ईयर्स. और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो उनकी गाड़ियों में लेटेस्ट टेक और सबसे अच्छे फीचर्स देने की कोशिश करेंगे, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ईवी एंथुजियास्ट लाइक यू एंड मी. सो TVS मोटर कंपनी इज गोइंग बिग ऑन देयर ईवी स्ट्रैटेजी, और हमें देखना होगा कि वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च करते हैं. बट एज आई ऑलवेज से, ओनली टाइम विल टेल. और आज की न्यूज नंबर 3 आ रही है टाटा पावर से. अगर आप मेरा वीकली न्यूज कवरेज फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि टाटा पावर इज वन ऑफ इफ नॉट द लार्जेस्ट कंपनी जो इंडिया में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में अपना योगदान दे रही है. उन्होंने अब तक टेलस पावर और MG मोटर्स जैसे ब्रांड के साथ हाथ मिलाकर इंडिया में तरह तरह के फास्ट चार्जर्स और ईवी चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप कर लिया है. और अब जो न्यूज़ आ रही है उसके बाद तो मुझे लगता है कि उनके इस काम में अब और भी तेज़ी आने वाली है, बिकॉज टाटा पावर हैज़ नाउ डिसाइडेड टू टाई अप विथ HPCL. जी हाँ, उन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प के साथ टाई अप कर लिया है एंड दे आर प्लानिंग टू सेटअप मल्टीपल चार्जिंग स्टेशंस थ्रू आउट द कंट्री. इन चार्जिंग स्टेशंस को HPCL के रिटेल आउटलेट्स पर यानी उनके पेट्रोल पंप्स पर ही सेटअप किया जाएगा, जिससे लोगों के लिए चार्जिंग स्टेशंस ढूंढना और भी इजी हो जाएगा, विच इंक्लूड्स ईवी ओनर्स लिविंग इन रिमोट एरियाज और रूरल एरियाज, जहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचने में शायद टाइम लग सकता है. उसके साथ ही इंडियन आवाम के बीच जो ईवी अडॉप्शन और अवेयरनेस को लेकर डाउट्स या कन्फ्यूजन है, उसे दूर होने में भी हेल्प मिल जाएगी. अब हम और थोड़ा डीप जाकर स्टैट्स की बात करते हैं. टाटा पावर करेंटली हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 500 ईवी चार्जर्स इन मोर देन 100 सिटीज इन इंडिया, लेकिन HPCL करेंटली हैज़ मोर देन 18,000 रिटेल आउटलेट्स / पेट्रोल पंप्स इन इंडिया. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये दोनों कंपनीज मिलकर इंडिया में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बड़ा बूस्ट दे सकते हैं. दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस, और मैं आपको इस बारे में आने वाली न्यूज़ कवरेज वीडियोज़ में अपडेट देता रहूँगा. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ. और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा से. महिंद्रा हैज़ बीन कीन ऑन ब्रिंगिंग ईवीज टू द इंडियन मार्केट राइट फ्रॉम द स्टार्ट. इनफैक्ट इंडिया में सबसे पहली ईवी महिंद्रा ने ही लॉन्च की थी, विच वॉज नोन एज ई वेरेटो, जो उनके वेरेटो सेडान का ही इलेक्ट्रिक वर्जन था. एंड इट वॉज एन ओके प्रोडक्ट जो ज़्यादातर फ्लीट सेगमेंट में ही बेचा गया था. अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो महिंद्रा हैज़ बीन वर्किंग ऑन मेनी ईवी प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग देयर मेजमा आर्किटेक्चर
जिसे यूज करके आने वाले समय में वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट महिंद्रा हैड शोकेस देयर EKUV 100 एंड EXUV 300 एट द ऑटो एक्सपो 2020, जिसके बाद लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गए थे एज देयर वर नॉट मेनी EVs इन इंडिया, स्पेशली इन द बजट कैटेगरी। हाँ, वैसे अभी भी नहीं है, टाटा नेक्सॉन ऐसी फेमस नहीं हुई। आई हैव सेड इट मेनी टाइम्स बिफोर एंड आई विल से इट अगेन एंड अगेन, जब तक टाटा नेक्सॉन की कंपटीशन में कोई गाड़ी नहीं उतारी जाती, मेड बी फ्रॉम महिंद्रा, MG, किया, ह्यूंडई और एनी अदर कंपनी, तब तक टाटा नेक्सॉन EV इसी तरह सेल्स को बटोरती रहेगी और उसके सेल्स इसी तरह दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे। बट आई थिंक फाइनली टाटा नेक्सॉन EV को कम्पीट और रादर अंडरकट करने के लिए महिंद्रा उनके KUV 100 इलेक्ट्रिक को जल्द ही लॉन्च कर सकते हैं। Why do I say so? Well, रिसेंटली EKUV 100 को प्रोडक्शन रेडी फॉर्म में स्पाई किया गया है एंड इट लुक्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम इट्स ICE काउंटरपार्ट। अगर डिफरेंस की बात करें तो इसमें एक नया कलर ऑप्शन दिख रहा है एंड इट ऑल्सो गेट्स फ्रंट ग्रिल इंसर्ट्स एंड न्यू अलॉय व्हील्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ एट द ऑटो एक्सपो। अब हम महिंद्रा के इस EV के टेक्निकल स्पेक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस गाड़ी में 15.9 किलोवाट आवर की बैटरी दी जा सकती है, विच विल बी पेड विथ ए 54.4 PS इलेक्ट्रिक मोटर, जो इस गाड़ी को 147 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज ऑफर करने में हेल्प करेगी। दीज नंबर्स आर नॉट फाइनल एंड देयर इज अ फेयर बिट ऑफ चांस कि ये शायद आने वाले प्रोडक्शन मॉडल में चेंज हो सकते हैं। सो महिंद्रा इज फाइनली कमिंग विथ देयर EKUV 100 टू टेक टाटा नेक्सॉन EV हेड ऑन, लेकिन ये गाड़ी इंडियन कंज्यूमर्स में कितनी फेमस हो पाती है ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। सो लेट जस्ट वेट फॉर नाउ एंड सी व्हाट महिंद्रा कम्स अप विथ इन कमिंग मंथ्स और सो। और आज की न्यूज नंबर 5 है महाराष्ट्र के नए EV पॉलिसी के बारे में। अगर आप मेरा वीकली न्यूज कवरेज फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि इससे पहले मैंने दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में जो EV पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया था उसे डिटेल में कवर किया था। अब उस लिस्ट में महाराष्ट्र का भी नाम ऐड हो गया है एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज एक्चुअली प्लानिंग बिग व्हेन वी टॉक अबाउट अडॉप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ EVs इन इंडिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मानना है कि वो महाराष्ट्र को कोट टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैटरी पावर्ड व्हीकल्स इन इंडिया एंड कोट बनाने का एम रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड दे आर एक्सपेक्टिंग EVs टू मेक अप 10% ऑफ ऑल न्यू रजिस्ट्रेशंस विच कम्स डाउन टू अराउंड 3 लाख व्हीकल्स पर ईयर बाई 2025। इस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने ₹930 करोड़ का आउटले अनाउंस कर दिया है और इस नई पॉलिसी के मुताबिक EVs को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस से भी एग्जेम्प्ट किया जाएगा और EV ओनर्स ₹5,000 पर किलोवाट आवर ऑफ बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से इंसेंटिव्स पा सकेंगे। लेकिन ये इंसेंटिव्स 30 किलोवाट आवर के बाद कैप किए जाएंगे, यानी लगभग 1.5 लाख तक का इंसेंटिव कोई भी नया EV बायर पा सकता है, जो पहले पॉलिसी से ₹50,000 ज़्यादा है। और अगर बायर्स 31st दिसंबर 2021 से पहले कोई EV खरीदते हैं तो उन्हें ऑलमोस्ट 2.5 लाख तक का इंसेंटिव ऑफर किया जाएगा। सो महाराष्ट्र हैज जॉइंड अदर स्टेट्स इन ब्रिंगिंग न्यू एंड इम्प्रूव्ड EV पॉलिसी, लेकिन इससे कितने लोग फ़ायदा उठा पाते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा एंड आई एम श्योर इट्स गोना ब्रिंग इन मोर पीपल दैट विल स्विच टू इलेक्ट्रिक फ्रॉम देयर कन्वेंशनल ICE व्हीकल्स। बट एज ऑलवेज ओनली टाइम विल टेल
And it's time to wrap up for now. That's all the news I have for you this week. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then drop a like. Share this video with your friends and family. अगर मेरे कंटेंट या मेरे वीडियोस को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, you can simply write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड.